अब सवाल इतने धड़ाधड़ गिर रहे हैं, संजय प्रजापति थाने से सवाल पूछ रहे हैं। नाविका जी मुझे बताएं कि विपक्ष किस संवैधानिक संस्था पर विश्वास कर रही है? देखिए मजेदार बात सुनिए, देखिए क्या होता है, आपकी मजेदार बात सुने चर्चा करके आप डिबेट में चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट में माहौल बनाएंगे, टीवी पे माहौल बनाएंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। अनेकता एकता वाला देश है तो आपका आपकी एकता क्यों नहीं हो रही? 14 दिन का नोटिस होता है, 10 दिन का संसद सत्र रह गया है, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? तो ये ड्रामेबाजी किसके लिए? कल राहुल गांधी बाहर वीडियो बना रहे थे, पहले भी बना चुके हैं। इसके मतलब इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है, उससे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, तभी तो इंडिया गठबंधन की रोज बात करती है। संभल के आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा और अडानी के आगे राहुल गांधी को कुछ नहीं दिख रहा? किसी एक दिन विपक्ष ने नहीं कहा कि आज देश में बड़ी बेरोजगारी है और इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर इस पे आप बात नहीं करेंगे तो इसके अलावा हम कोई चर्चा नहीं करने जा रहे। किसी ने डेफोमेशन केस नहीं फाइल किया और इसीलिए पब्लिक के गले उतर नहीं रहे ये बहाने? सदन के पटल पर इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है, इंडी गठबंधन जैसा कोई ऑफिशियल गठबंधन फोर्थ हाउस पे है ही नहीं। भदौरिया जी आपको पता नहीं है, जब हम कार्रवाई करते हैं और वो साबित होती है तो उस पे चिल्लाता कौन है? जब झूठ को बार बार सच बताया जाए तो झूठ भी सच लगने लगता है, और सच पर यदि जरूरत से ज्यादा शोर मचा दिया जाए तो सच भी नौटंकी लगने लगता है। इंडी गठबंधन अपने ही जाल में अपने ही फंस जाती है, और हमारे अनुराग भदौरिया तो कुछ खास हैं। अब सवाल इतने धड़ाधड़ गिर रहे हैं, संजय प्रजापति थाने से सवाल पूछ रहे हैं। नाविका जी मुझे बताएं कि विपक्ष किस संवैधानिक संस्था पर विश्वास कर रही है? रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है। जगदीप धनखड़ जी अगर एक तरफा बोल रहे हैं तो कुछ दिन पहले कृषि मंत्री और सरकार से पूछा था कि किसानों के साथ हुए वादों को समय पर पूरा क्यों नहीं किया, फिर बताएं वो एक तरफा कैसे हो गए? अनुराग भदौरिया जी अब बता दें। आइए नवाब नादिन नादिन चंगेजी आइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, लेकिन देश की जनता को क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है। इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, क्यों नहीं चल रही, ये बता दीजिए आप, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। जो सूरज अगर हमारे देश के लिए खतरा है तो आप कार्रवाई कीजिए ना, किसने आपको रोका, हम आपके साथ खड़े हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। कनाडा में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। चाइना हमारा दुश्मन नंबर वन है, आप कुछ कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि आप हर बात में बोलते हैं, देखिए मजेदार बात सुनिए, देखिए क्या होता है, आपकी मजेदार बात सुने कि कुछ कार्रवाई भी करेंगे, आप विपक्ष को दोषी ठहराएंगे। हाँ ये बात तो आपकी है, ये मजेदार बात आप जरूर करते हैं कि हर बात में विपक्ष दोषी है। अगर विपक्ष दोषी है तो सत्ता में आप क्यों है भाई? आप यहां पे हमारा विदेशी, अगर किसी विदेशी से देश को खतरा है तो चिंता की बात है ना, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। देश पे अगर खतरा है और विदेशी, हम जानते हैं कौन विदेशी हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है और खतरा करने की कोशिश कर रहा है, तो कार्रवाई कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े ना हो तब बताना आप। लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं, लेकिन चर्चा जरूर करेंगे, चर्चा करके आप डिबेट में चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट में माहौल बनाएंगे, टीवी पे माहौल बनाएंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। हां ये जरूर करेंगे, आप हमारे देश के अंदर में अगर कोई विपक्ष का नेता है उसमें कार्रवाई कर देंगे, उसमें आपका बस चल जाता है, क्योंकि आपका बस हमेशा अपने ही देश के लोगों पर कार्रवाई करने पर चलता है। प्रभु आपका बस विदेश में जो हमें धमकाते हैं, हमारे लिए खतरा, उन पर कार्रवाई करने के लिए नहीं चलता है। आपका बस आप हमारे अपने लोगों के ऊपर में कार्रवाई तो आप फट से कर दोगे। जो आप देश के अंदर में इतना आपस में नफरत की राजनीति करते हो, देश में हमें आपस में लड़ाते रहते हो लोगों को आपस में, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो अनेकता एकता वाला देश है। इसमें तो आप इसमें आप एक अनेकता एकता वाला देश है तो आपका आपकी एकता क्यों नहीं हो रही? एक दिन आप प्रोटेस्ट में जाते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। मुझे बता दीजिए पहले तो अपनी एकता के बारे में, ये जो इंडिया गठबंधन है कब एक है और कब अनेक है ये समझा दीजिए, नंबर एक। नंबर दो अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सोरोस का सवाल तो अपनी जगह, कम से कम संविधान बचाने वालों को कम से कम संविधान के रूल्स के हिसाब से तो चलना चाहिए। 14 दिन का नोटिस होता है, 10 दिन का संसद सत्र रह गया है, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप?
आप रोक रहे हैं संसद या बीजेपी रोक रही है संसद, देश को समझा दीजिए। 10 दिन में कोई भी इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आ नहीं सकता, तो ये ड्रामेबाजी किसके लिए? कल राहुल गांधी बाहर वीडियो बना रहे थे, पहले भी बना चुके हैं, आज आप ये कर रहे हैं, ये कौन समय जाया कर रहा है देश का? अनुराग भदौरिया ने एक्स्ट्रा आज क्या बोला? आज भी तो वही बोला जो रोज बोलते रहते हैं। देखिए कुछ तो इंडिया गठबंधन की बात है जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसकी बात करती है। इंडिया गठबंधन की बात तो करती है, इसके मतलब इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है, उससे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, तभी तो इंडिया गठबंधन की रोज बात करती है। अरे बात आपको करनी चाहिए किस पे, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है, किसानों पे बात कीजिए ना। किसान धरने पे बैठा है, उसकी एमएसपी की गारंटी बढ़ाइए, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है उस पर बात कीजिए, बात कीजिए। महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, किसने रोका है? महिला अत्याचार पे चर्चा कीजिए, किसने रोका? लगी इंडिया गठबंधन की चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की बात करके असली किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं ना। संभल के आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा और अडानी के आगे राहुल गांधी को कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन मॉरल हाई ग्राउंड इतना है कि किसानों की बात। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस मॉरल हाई ग्राउंड का क्या करें जो ना संविधान बचाने वालों से रूल फॉलो करवा पा रहा है, ना किसानों की बात करवा रहा है, सब अपना अपना राग, अपना अपना सुर, अपना अपना ताल अलाप रहे। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि सचमुच ये चिंता की बात है कि इस पूरे सत्र में विपक्ष किसानों, महंगाई, बेरोजगारी ये जो बात कहते हैं उसमें से कोई बात नहीं उठाया। किसी एक दिन विपक्ष ने नहीं कहा कि आज देश में बड़ी बेरोजगारी है और इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर इस पे आप बात नहीं करेंगे तो इसके अलावा हम कोई चर्चा नहीं करने जा रहे। किसी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन किसानों के लिए कहा हो कि किसानों के लिए बात नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल चर्चा नहीं करने देंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस तो पूरी तरह से अडानी कर रहे हैं, और मैं तो सचमुच थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या कोई मर्चेंडाइज कंपनी हो गई है, कोई कुछ इस तरह का काम धाम ले लिया है कि वही सब प्रिंटिंग करना है, वही सब करना है। और सचमुच ये चिंता की बात है, ये कोई और दलों के लिए नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां अपनी राजनीति करेंगी। मैं तो सचमुच इसको लेकर चिंतित हूं कि सोनिया जी पर और राहुल जी पर इतने गंभीर आरोप हैं और उसका मजबूती से जवाब देने की बजाय, और अगर आपको सचमुच लगता है कि सब गलत आरोप है तो आप क्यों नहीं भारतीय जनता मानहानि का दावा दायर कीजिए, मानहानि का। गद्दार, देशद्रोही कभी नेता प्रतिपक्ष कहा गया हो? बहुत सही कहा, किसी ने डेफोमेशन केस नहीं फाइल किया और इसीलिए पब्लिक के गले उतर नहीं रहे ये बहाने। मैं बताना चाहता हूं, इंडी गठबंधन सिर्फ मीडिया में है, सदन के पटल पर इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व तो नहीं है। जैसे एनडीए ने बैठक करके सभी सांसदों के साइन के साथ मोदी जी को नेता चुना है, मुझे दिखाएं। न लोकसभा अध्यक्ष के पास कोई एक लेटर है, न राज्यसभा के सभापति के पास कोई लेटर है कि इंडी गठबंधन का नेता कौन है, मुझे जवाब दीजिए और वो लेटर दिखाइए। इंडी गठबंधन जैसा कोई ऑफिशियल गठबंधन फोर द हाउस पे है ही नहीं। अब अनुराग भदौरिया को बताता हूं और वर्मा जी को कि कार्रवाई नहीं होती। भदौरिया जी, आपको पता नहीं है, जब हम कार्रवाई करते हैं और वो साबित होती है तो उस पे चिल्लाता कौन है? नवाइल रॉय सिंघल की कंपनी थी न्यूज़ क्लिक, जिसके ऊपर हमने कार्रवाई की, कांग्रेस से लेकर आपके सारे नेता जाकर बोलने लगे कि वो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर हमला है। और बाद में वो न्यूयॉर्क टाइम, जिसको आप ब्रह्मवाक्य मानते हैं, उसमें स्टोरी छपी कि शंघाई से शिकागो तक पैसा आ रहा है कुछ देशों की सरकारों को डिस्टर्बाइज करने के लिए, न्यूज क्लिक को भी पैसा आया था। आप बचाने के लिए गए थे जब केवल बीबीसी के ऊपर केवल इनकम टैक्स का सर्वे हुआ था, जो उन्होंने कई साल से इनकम टैक्स नहीं दिया था, आप चिल्लाने के लिए गए थे। जब देश में 4000 एनजीओ थे 2015 में, जिन्होंने 3 साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दिया था, तब आप उसको बचाने के लिए गए थे। क्या करें, सोरस की तो कोई औकात नहीं कि बोल पाता, मगर सोरस के सुर में मिलाने के लिए इतने सारस यहां बैठे हुए हैं, उसकी वजह से उनकी हिम्मत हो जाती है। तो कार्रवाई कीजिए आप। और मैं चुनौती देता हूं अनुराग भदौरिया को, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जी ने तो कहा अडानी कोई मुद्दा ही नहीं है, उन्होंने कहा संबल मुद्दा है, उन्होंने कहा राहुल गांधी केवल औपचारिकता कर रहे हैं,
मेरे भाई प्रोफेसर साहब सही है या आप सही है, या सदन में आपका रुख कहो और है और यहाँ डिबेट में आके चिल्लाने और नाच हाथ बचाने के लिए कुछ और है। मेरे भाई साफ साफ बता दो, एक नोटिस दिखाओ सपा का जो किसान के लिए हो, एक नोटिस दिखाओ जो महंगाई के लिए हो। सिर्फ संबल, सिर्फ संबल और सिर्फ संबल के लिए था और यहाँ पे आके नाटक। बहुत सही सवाल उठाया अनुराग भदौरिया जी, विचलित मत होइए। अजय वर्मा जी आ रही हूँ, अनुराग भदौरिया जी जवाब ले जी। देखिए सुधांशु जी सुन लीजिए, जाकी रही भावना जैसे ही प्रभु मुहूर्त तिनते की तैसी। आपको तो बेले डांस, हाथ मटकाना, पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है आपको। हम तो अपनी बात कहते हैं, बात कहने का तरीका है कम से। हम आपको बता रहे हैं कि हमने तो कहा कि आपके साथ हम खड़े हैं, हिंदुस्तान की तरफ कोई अगर आंख उठा के देख रहा है तो आप कार्रवाई कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं। सवाल तो ये था ही नहीं, सवाल सवाल सीधा है, सवाल सीधा है अनुराग भदौरिया जी, मुझे बता दीजिए कि किस समाजवादी पार्टी के सांसद ने किसानों पर या महंगाई पर कोई भी सवाल पूछा हो, कोई भी मोशन मूव किया हो, मुझे बता दीजिए। यही सवाल उठाया था, इसका जवाब दे दीजिए, इधर उधर मत जाइए। नोटिस दिखाइए किसानों की महंगाई पे। सुन लीजिए जवाब ले लीजिए। देखिए सुधांशु जी सुन लीजिए, आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप चाहते नहीं कि हम किसानों पे सवाल पूछें, आप चाहते नहीं है कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है पूछें, हम महंगाई पूछें। टीवी डिबेट पर आपको किसान याद आते हैं, टीवी डिबेट पर आपको महंगाई याद आती है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं याद आता। पिछले 50 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि कोई भी चुनाव बिना महंगाई के मुद्दे के नहीं लड़ा गया है। प्रत्येक चुनाव में महंगाई आ ही जाता है एक मुद्दे के रूप में, लेकिन वास्तविकता यह समझ में आ रहा है। प्रत्येक दल के नेता रोड पर चिल्लाते हैं, जनता के सामने चिल्लाते हैं महंगाई को लेकर के, लेकिन आज तक किसी ने सदन में महंगाई के विषय में चर्चा नहीं किया है। मैं आज गूगल में सर्च कर रहा था कि महंगाई पर किसने सदन में बात उठाई, तो कहीं भी कुछ भी, पूरा सन्नाटा गूगल में नजर आया, कहीं भी किसी ने भी कुछ नहीं बोला है। तो फिर ये जनता के सामने इनके हैं चिल्लाने की क्या आवश्यकता है, यह सिर्फ वोट बटोरने का एक माध्यम बन गया है महंगाई। और दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी इतना जो अदानी चिल्ला रहे हैं, तो मुझे यह नहीं समझ में आता, अगर अदानी इतना भ्रष्ट है तो फिर कांग्रेस शासित राज्यों में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जा रहा है। अदानी को तो वहाँ से मार करके भगा दिया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ से भगाते नहीं और अदानी चिल्लाते रहते हैं। अदानी सही है या गलत यह तो नहीं पता, लेकिन जितना कांग्रेस शोर मचा चुकी है, ये अदानी भी उसके ताबूत का एक कील बनने जा रहा है, यह तो मान कर चलिए।